और आज बनने लगा है गाजर का हलवा। तो ये देखिए दूध यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ऑयल इसको ये देखिए। तो चलिए जी, बस अब गाजर जो है वो छीलते हैं सभी मिलजुल के, और फिर जी गाजर का हलवा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट होने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँच सके और आप इनको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए जी व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बन रहा है आज गाजर का हलवा, और आज हमने ना फर्स्ट टाइम बनाया है इस सर्दियों में। इससे पहले अभी तक हमने गाजर का हलवा नहीं बनाया, वैसे तो हम बनाते हैं लेकिन इस सीज़न में अभी तक नहीं बनाया। तो आज हम बनाने लगे हैं। 10 किलो हमने दूध ले लिया है और 12 किलो इसमें गाजरें जाएंगी, और इसको हम श्रेड कर रहे हैं बिल्कुल ही ना, जो बारीक सा श्रेडर होता है ना उससे ये श्रेड करते हैं। एक दफ़ा हमने ना मोटे श्रेडर से इसको श्रेड कर दिया तो वो सॉफ्ट ही नहीं हो रही थी, और ना बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे खड़ा खड़ा सा हलवा लग रहा था, और मज़े का नहीं बना था। यानी जिस तरह से होना चाहिए घुला हुआ सा सॉफ्ट सा, तो बिल्कुल ना हम बारीक श्रेडर से इसको श्रेड कर रहे हैं। और दूध को बॉईल आ गया है, अब यहाँ पर सारी गाजरें जो है वो श्रेड करके हम दूध में ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि गाजर का हलवा जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और अगर क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो फिर तो और भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको पकने देते हैं, और जैसे जैसे मैं वक्तन फ़वक्तन इसको दिखाती जाऊँगी और आपके साथ इसकी रेसिपी जो है वो भी शेयर करती जाऊँगी। तो इसको हम पकने देते हैं और आ जाते हैं जी इस तरफ कि आज हमने क्या बनाना है। तो आज हम बनाएंगे जी आलू मटर और अंडे, बहुत ही ज्यादा मजे के लगते हैं, और सर्दियों में तो ये हमारे घर में ज्यादा ही कुछ बन रहे होते हैं। तो आज हम ये बनाएंगे, और साथ ही साथ शाहान को आज शौक आ रहा है कि मैं हर काम जो है साथ साथ करूं। तो यहाँ पर जी मटर भी ये छील रहा है, और साथ ही साथ जी गाजर के हलवे की तरफ भी आ गया है कि मैं ये भी बनाऊंगा। तो इसकी जरा बातें सुने। इधर तो देख के बनाओ ना, हेलो कर दो सबको, सलाम लो। मैं निकाल रहा हूँ जी आज मटर। मैं निकाल रहा हूँ जी आज मटर। हाँ चलो, आज बना है गाजर का हलवा। आप भी आइए, आप भी आइए और खाइए। ये देखें तो ये इमोजी कैंडल्स इसने लास्ट ईयर अपनी बर्थडे पे ली थी, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी हैं ये बहुत ज़्यादा। तो हमने इसको संभाल के रखा हुआ था, तो आज इसने ना फ्रिज में से अचानक इसको निकाल लिया और इसके साथ खेलने लग गया था। तो मैं इसकी वीडियो भी बना रही थी, तो मैंने इसकी भी बनाई, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा ना क्यूट सी हैं, छोटी छोटी सी और बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये देखें इनके साथ खेल रहा है। तो अभी ये हो रहा है टाइम जी जोहर की नमाज का, तो इसके साथ थोड़ा सा मैं खेलने लग गई थी, इसके बाद फिर हमने नमाज पढ़ी। तो अभी अभी मैं दोबारा से ऊपर आई हूँ, और मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ कि गाजर का हलवा जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो गाजर का हलवा अभी पक रहा है, तो साथ ही साथ ना आज हमने कश्मीरी चाय का कहवा जो है वो पकने के लिए रख दिया, क्योंकि लास्ट ईयर हम जब भी हलवा बनाते थे हम सोचते थे कि इसके साथ ना नमकीन चाय जो है वो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हलवा जो है जैसे ही बनता था खाया जाता था और फिनिश भी हो जाता था, और हमने एक भी मरतबा ना उसके साथ कश्मीरी चाय नहीं बनाई। यानी स्पेशल सी एक ट्रीट खुद को देने वाली जो बात होती है ना वैसा नहीं किया। तो आज हमने सोचा कि हलवा बन रहा है तो साथ ही साथ इसका कहवा जो है वो पकने के लिए रख दिया जाए, क्योंकि कहवा तो बनाकर रख लें जब भी चाहे इसके साथ ना चाय बना लें, लेकिन अभी आज हम क्या करते हैं वो आपके साथ मैं अभी शेयर करती हूँ। तो चले जी अभी शाहान की थोड़ी सी शरारतें देखें और इसकी ज़रा बातें सुने। धूप निकली थी आज, देखा है आपने? कब? अभी तो निकली है। नहीं आज नहीं निकली धूप, तभी तो इतनी सर्दी है। चलो सो जाओ। नहीं। सो के दिखाओ। सो जाओ सो जाओ। ऐसे सोता हूँ ऐसे। चलो बंद कर कर ये ब्लू लाइट चला दो। अच्छा। देखा मजा आ रहा है। चलो ये भी लाइट ऑफ कर। अब पता चल रहा? अंधेरा हो गया ना? चलो ये
चलो ये वाली चला लो, ठीक है? ब्लू वाली। चलो रहने दो ये बंद कर। शहान उठ जाओ। ओए सो गए हो? हाँ तो बोल कौन रहा है? मैं तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पुप्पा। ठीक है चलो सो जाओ, सो जाओ। चलो राइट के वाली बात करते हैं वो। चलो अच्छा ठीक है वो चली। चलो अभी तो सो ना, तुम्हारी वीडियो बनाऊं। सो जाओ। तो यहाँ पर जी हलवे में मीठा चेक करने का वक्त हुआ चाहता है, और यहाँ पर मीठा जो है वो चेक किया जा रहा है कि इसमें ठीक है या नहीं, या मज़ीद ज़रूरत है या नहीं इसमें, तो वो देख रहे हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था तो वो हम ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे देसी घी का, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जी गाजर के हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। तो ज़्यादा क्वान्टिटी में हम इसको बनाते हैं, यूजली हम इसी तरह से करते हैं। तो 10 किलो हमने दूध लिया था, 12 किलो इसमें गाजरें गई हैं, और जी इसको हमने पकाया है आपके सामने ही कि दूध को जब बॉईल आ जाएगा तो इसमें सारी गाजरें जो है वो श्रेड करके ऐड कर देनी है, और इसको पकाना है, पकाना है, पकाना है, और बस पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाएगा। और जब इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, सारा ड्राई हो जाएगा पानी, फिर हम इसमें एक कटोरी देसी घी ऐड कर देते हैं, और 10 से 12 अदद इसमें सब्ज़ इलायचियों के सीड्स जो है वो डाल देते हैं ताकि अच्छी सी इनकी ना लास्ट पे भी खुशबू आए। वैसे तो हम गाजर का हलवा पकाते हुए भी इसमें इलायचियाँ जो है वो डाल देते हैं, लेकिन लास्ट पे इसमें ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि हलवे में ना फ्रेश सी इसकी खुशबू जो है वो देर तक रहती है, जब तक कि हलवा ख़त्म नहीं हो जाता। तो चले जी इसको तड़का लगाते हैं और इसको रेडी करते हैं, इसको डन करते हैं। इसके बाद हम खाएंगे जी दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आज हमने आलू मटर और अंडे बनाए हैं। तो चले जी यहाँ पर मज़ेदार सा लंच करते हैं, और साथ ही साथ कश्मीरी चाय की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले हमने इसके लिए 4 कप पानी ले लिया है। कहवा इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून, बादियान के फूल इसमें 4 अदद जाएंगे, सब्ज़ इलायचियाँ इसमें 4 अदद जाएंगी, दालचीनी के इसमें छोटे छोटे से टुकड़े जाएंगे 3 से 4 अदद। ये सारी चीज़ें हमने पानी में ऐड करनी है और 15 मिनट इस कहवे को पकाना है। फिर 15 मिनट के बाद मीठा सोडा इसमें 2 चुटकी ऐड करना है, और मीठा सोडा ऐड करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद इस कहवे को पकाना है। और जब इस से ये पक जाएगा तो फिर हमने इसको फ्लेम से हटा लेना है, और इसमें 1/2 कप ठंडा पानी ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि इसका अच्छा सा कलर निकल आए। 5 से 7 मिनट आप इसको फेंट सकते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर निकल आए, और जी यहाँ पर ज़बरदस्त सा कहवा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि अलग से 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून सौंफ जानी है, 2 से 3 अदद सब्ज इलायचियाँ जानी है, और इस पानी को पका लेना है जब तक कि इसमें जोश ना आ जाए। जब हमने चाय के लिए दूध गर्म करना है तो उसमें डायरेक्ट इसको ऐड कर देना है। और ये हम स्टेप जो है कहवा बनाते वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सौंफ ऐड करने से कहवे का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर जी हम अलग से इसको ऐड करते हैं और कहवा जो है अलग से ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये चाय बहुत मज़े की बनती है, और जिस तरह से हम बाज़ार से लेकर पी रहे होते हैं वैसा ही इसका टेस्ट बनता है। तो हम तो इसी तरह से बनाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जी हमने वो कहवा भी ऐड कर दिया है जो अभी हमने पकाया है। तो यहाँ पर जी ये कहवा भी इसमें चला जाएगा, और साथ ही साथ इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें रेड फूड कलर ऐड कर दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसका कलर जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, लेकिन टेस्ट के लिहाज से ही अच्छी होती है, तो कलर अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसमें ऐड कर दें कलर, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाज़ लोग तो इसमें जामशीरी जो है वो भी ऐड करते हैं, उससे भी इसका कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, मीठा मीठा सा। हमने कभी इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन हमने सुना है कि बाज़ लोग जो है इसमें जामशीरी भी ऐड करते हैं, लेकिन हम ना बस नमक और चीनी डालते हैं और कलर के लिए फूड कलर ऐड कर लेते हैं जस्ट। तो यहाँ पर जी हलवा भी मज़े मज़े का रेडी हो गया है, और साथ में कश्मीरी चाय तो बनी गई है, और साथ ही साथ आपके साथ मैंने रेसिपी भी शेयर करी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो चले जी अब खुद को ट्रीट देते हैं और मज़े से बैठ के चाय पीते हैं, और साथ ही साथ मज़ेदार सा गाजर का हलवा इंजॉय करते हैं, क्योंकि आज वेदर इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि 1 सेकेंड के लिए भी ना मुझे लगता है कि धूप जो है वो नहीं निकली, सारा दिन फोग रही है, और बहुत ही मज़े का वेदर था, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि गाजरें जो है वो हमसे छीली नहीं जा रही थी, इतनी ज़्यादा वो ठंडी लग रही थी और पकड़ी नहीं जा रही थी बिल्कुल भी ना छीलने के लिए। तो खैर जी हमने गाजर का हलवा आज
सही टाइम पे बनाया है। और तो चले जी अभी हम खाते हैं, और साथ ही साथ मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ जी शाहान के पास, उसके साथ थोड़ी गपशप करते हैं और साथ ही साथ उसकी जरा शरारतें देखते हैं। Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong, I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Dekh Hindi mein kya ban gaya hu? Kya ban gaya? शाहान हीरो बन गए। सुपर हीरो। हाँ। स्टार्ट। ये क्या कर रहे हो? डांस। क्या खाया तुमने है? अच्छा बच्चों को सारा दिन भी आप चीजें खिला लेना तो वो सारा दिन चीजें खाते रहते हैं, मीठा खाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको ड्राई फ्रूट्स इस तरह की चीजें खाने के लिए दी जाए तो बहुत ज्यादा उनके नखरे होते हैं। और कोई कोई चीज ही है जो वो शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये खुबानी खा रही थी तो मैंने शाहान को भी कहा कि आप ही खा लो, तो उसने इस पर रिएक्शन क्या दिया आप देखिएगा जरा। छोड़ के चला गया कि मैंने नहीं ये खानी, मुझे नहीं ये पसंद। तो ऐसा ही ये करता है और बहुत मुश्किल से इसको ना ड्राई फ्रूट कोई भी पसंद आते हैं। ज़्यादातर ना ये बादाम ही खाता है और वो भी कभी कभार इसका मूड हो तो। लेकिन अभी ये देखे चीज़ें जो है इसकी पड़ी हुई हैं और चीज़ें जो है ये खा रहा है और साथ ही साथ खेल रहा था, तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँगी। बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट की वगैरह मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पर पहुंच सकें और आप इनको सबसे पहले देख सकें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत इस अपने मन के साथ कि आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कैसा फिर और सुपर हीरो कैसे? वो होता है मशीन। और वो उड़ता है। और क्या करता है? और वो हेल्प करता है सबकी। हाँ जी। अब देखो ये उड़कर ये लोग को उठा के ना उधर रख देता है। सुपरमैन उधर चले देता है। ब्रेक भी आ गई है इसकी। चले क्या है? जास पीछे हटके खड़े हो गए थोड़ा।